हेलो दोस्तों, मैं शीशादा टेस्ट गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद कनाल का पौधा है, ये हाइब्रिड में ये, और येलो कलर भी है मेरे पास। तो ये देखिए इसमें फ्लावर कितने अच्छे हैं और टूट गए हैं। ये तो 8:30 बजे हैं सुबह के, पूजा के लिए टूट गया। इतने सारे खिलते हैं ये देखिए, उतनी ही ये देखिए कलियाँ भी हैं बहुत सारी ढेर इधर, ये देखिए। और कोई बीमारी नहीं है, फंगस वगैरह एकदम स्वस्थ है, पत्तियाँ एकदम साफ सुथरी हैं, आप ले सकते हैं। और इस पॉट में लगा हुआ है, इस पॉट में, और इसकी ब्रांच ये हम प्रूनिंग कर दिए थे, ये यहाँ से। तो कई सारी देखिए ब्रांच निकल आई हैं, सभी को मैं तोड़ देती हूँ हर साल सीजन में। ये देखिए टूटे हुए ब्रांच है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब इतना बड़ा ना चाहिए हमको, ये घना चाहिए और मीडियम का रहे, पॉट में लगा है। और पूजा के लिए फूल मिलते रहें और गार्डन में अच्छा भी लगे, तो इसीलिए जैसे ही अभी ये फ्लावर का सीजन चला जाएगा फ्लावरिंग का, तो मैं इसकी हर ब्रांच तोड़ देती हूँ। तो इसी तरह एक ब्रांच हमने ये देखी तोड़े, तो 1 2 3 4 ब्रांच निकल आई हर में, आप देखिए सब में कट लगा हुआ है ऐसे। ये देखिए ये कट दिए ये, तो ब्रांच अगर बीच बीच में हम तोड़ते रहें साल में एक बार, तो अच्छा घना हो जाता है पौधा। और ये 2 साल 3 साल पुराना है, 3 से तो ज़्यादा हो, मतलब ऐसे ही 2-3 साल हो गए। आप ये पौधे को देख के लगा सकते हैं अंदाज़ा किसका किसका। कई सारे पौधे लगाओ तो ध्यान भी नहीं रहता। और देखिए इस पॉट में लगा है तो ये भी लग गया है, मासूस के पौधे एक तो लगा दिए थे, 1-2 पौधे, तो देखिए कितना घना हो गया है। तो ये भी ऊपर फूलता है, नीचे ये भी फूलता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। जितनी समय पूरी तरह से खिला नहीं है, जैसे अभी धूप खिलेगी, कुछ खिले हैं कुछ नहीं खिले, ये देखिए इसी कलियाँ ये। और इसी में एलोवेरा लगा दिए, एलोवेरा का पॉट टूट गया था, कुछ हमने बांट दिया, कुछ ये मैं एलोवेरा लगा दी। इधर ये लगा है एलोवेरा, और ऊपर भी लगा है ये एलोवेरा भी, देखिए कितना स्वस्थ है। कोई हमने फर्टिलाइजर नहीं दी, 1 से 1.5 माह पहले मैंने इसमें थोड़ा सीवेड और गोबर और नीम खली का लिक्विड बना के इसमें डाल दिया था 1 माह से पहले। इसी तरह इसमें भी मैंने सीवेड गोबर, इसमें ये बड़ा पार्ट है, 2 से 3 मुट्ठी गोबर का लिक्विड मैंने लिया था, और सीवेड लिया था 1/2 चम्मच, और नीम खली भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच ली थी, और सब इसमें डाल दिया, उसमें भी डाला, क्योंकि इसमें गोड़ा करते बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। 1.5-2 माह पहले हमने गोड़ा किया था इसको अच्छे से गर्मी के समय में, और 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाली थी, अब नहीं बनता क्योंकि ये सब पौधे लग गए हैं। तो बस मैंने 1 से 1.5 माह पहले लिक्विड डाला था, और अभी 15 दिन पहले मैंने इसमें पोटाश का लिक्विड डाला है, थोड़ा सा 4-5 दाना मैंने DAP डाली है, और 1/2 चम्मच पोटाश लिक्विड करके डाल दिए हैं, क्योंकि पोटाश में जो है लाल पोटाश में अच्छा फ्लावर आते हैं, तो उसी का नतीजा है कि बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। और फंगीसाइड मैंने अभी कोई स्प्रे नहीं किया, फिर भी स्वस्थ पौधा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।